कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत को न्याय नहीं मिला, एक हिंदुस्तान की महिला जो पीड़ित है, पीड़िता महिला को आज न्याय मिला है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार इतिहास रचा गया है, पहले शादी होती है फिर सुहागरात होती है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले सुहागरात हुई है फिर शादी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब आरोपी को पहले पुलिस कस्टडी पहले मिलती है फिर जुडिशल कस्टडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर पहले जुडिशल कस्टडी मिली, जैसी मिली और आज पीसी मिली है। पुलिस कस्टडी मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरे पैसे गए, मेरे जेवर गए, मेरा मतलब जो भी मेरे धाराएं हैं वो कैसे साबित होगी, वो पुलिस कस्टडी में ही साबित होगी। बट ये लोग बहुत ही, इनके वकील और इन्होंने बहुत ही शाणपत्ती करके, पहले इनको पता नहीं कि हमारे जो हिंदुस्तान के, जो हमारे अंधेरी कोर्ट के जो सरकारी वकील जो है, कितने 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 महारथी है। मैं सबका धन्यवाद कहूँगी, पीपी साहब का धन्यवाद कहूँगी, फाल्गुनी जी का जो मेरी एडवोकेट है, अशोक सरोगी साहब का धन्यवाद, और वाहिद भाई मेरे, जितने भी मासूम भाई यहाँ पे, जितने भी हमारे सब लोग हैं, इन सब का धन्यवाद कहूँगी कि इन सब ने एक सच्चाई के लिए सब आए हैं, एक रुपए का फ़ायदा नहीं देखा है। पहली बार ईमानदारी से मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ये सर मेरे भाई बहन खड़े हैं, एक रुपये का कोई फ़ायदा ना देखते हुए ये लड़े हैं और मुझे न्याय दिलाया है। पुलिस कस्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सर आपके तो चरण स्पर्श करना चाहूँगी कि आगे भी आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं पीड़ित हूँ, सच्चाई आप लोग जज साहब के सामने लाए। राखी जी, आपकी कई दिनों बाद मुलाकात हुई आज इससे, कुछ उन्होंने कहा, कुछ माफ़ी मांगी, कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे गुस्से से देख रहे थे, कुछ ऐसा आपसे नहीं कहा कि आप कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे गुस्से से देखा। अभी सडनली उनका कोई बंदा आया और कुछ बोल रहे थे, इतने में भाई ने बोला ये कौन है, इतना करीब कौन आ रहा है, तो मुझे मैंने कुछ सुन नहीं पाई और मैं आगे अंदर कोर्ट में चली। थैंक यू।